मैं जिसके साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड कर रही हूँ या जिसके साथ मेरी वेवलेंथ मैच हो रही है वो है सलमान खान। हम क्या ही टॉलरेट करेंगे उनको, वो जो कहेंगे सब ठीक है, सब गवारा है। पर हर एपिसोड में सुर निकालना मुझे समझ में नहीं आता। सो आई मीन मैंने सुना है कि आई थिंक तुषार हैज वॉज वन ऑफ द टफेस्ट खिलाड़ी। Hi DZ, hello. So nice to meet you in Cape Town, especially on खतरों के खिलाड़ी के सेट्स पे है। हाँ, कैसा लग रहा है Cape Town या खतरों के खिलाड़ी? You know, Cape Town बहुत अच्छा लग रहा है, खतरों के खिलाड़ी के स्टंट्स में बहुत डर लग रहा है। I want to start off by asking कि आपका जो सिलेक्शन हुआ था वो इज वेरी लास्ट मिनट एंड यू वरंट प्रिपेयर्ड फॉर इट। नॉट सो, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द स्टोरी एज टू आपने कैसे अपने आप को लास्ट मिनट ये चीज में प्रिपेयर किया? जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि लास्ट मिनट प्रेपरेशन का टाइम नहीं मिला है, तो एक्चुअली में नहीं मिला है, बट लकीली थोड़ी बहुत स्किल्स है जो पहले जितना भी काम किया है उसके अंदर सीखी हुई थी। तो आई थिंक दैट इज द एंटायर थिंग दैट्स हेल्प्ड मी टू लाइक प्रोसीड फॉरवर्ड विद खतरों के खिलाड़ी एंड डू द स्टंट्स। एंड यू हैव मेंशन दिस कि व्हाटएवर यू हैव डन इन योर प्रीवियस फिल्म्स, यू हैव डन अ लॉट ऑफ एक्शन एंड यू हैव बीन एन एडवेंचरस गर्ल। या सो व्हाट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग स्टंट फॉर यू? देयर वर two stunts that I really loved doing. One was with lions. Yeah. Ooh. So not one, not two, five lions. Wow. And there was one more stunt, jo ke car stunt tha, but like ek side car thi, ek side ek pole tha. So aur beech mein sare barrels the. So we had to swing through the barrels and come back. So like to avoid the barrels and then take the flag and stick it to the other side. So I think that was one of the fun stunts. लगी बहुत है उसके अंदर, पर मजा भी उतना ही आया। Worth it. Yeah. Who has been the biggest support for you on the show? जो आपने शायद नहीं एक्सपेक्ट किया था किसी अकेले की जर्नी। जी। But then you figured out that listen, no, I am actually getting a support in this. जितना मैं कह सकती हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सब में है, पर जब ऑफ द कैमरा होते हैं, मतलब जब हम लोग स्टंट्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, हम सारे एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से जेल, वी ईट टूगेदर, वी हैव अ लंच टूगेदर, मस्ती साथ में करते हैं। पर मैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्ड कर रही हूँ या जिसके साथ मेरी वेवलेंथ मैच हो रही है वो है अंजुम और शिव, ये दोनों, क्योंकि दोनों इजी गोइंग टाइप्स है, मतलब कुछ बोल भी दो तो बुरा नहीं लगता, एंड इट्स वाइस वर्सा, वो लोग भी कुछ बोलते तो बुरा नहीं लगता, बिकॉज बाई नाउ आई हैव अंडरस्टूड द नेचर, और वो लोग भी कहीं ना कहीं मेरा नेचर समझ गए दैट आई डोंट मीन एनी थिंग लाइक पर्सनल, इट्स जस्ट अ फन बैंटर। And especially Rohit Shetty, you know, shooting with him, all contestants want to tell him and want to work with him. Huh. Have you spoken to him that you probably want to work with him and do a film with him? I am pretty sure Rohit sir, ye already jante hai, kyunki itne saalon se wo khatron ke khiladi karte aa rahe hai. So, every contestant who comes, and not contestant, everybody in the industry, be it television, be it Bollywood, they want to work with Rohit Shetty because the kind of films he makes, the kind of person he is, like jo hisab se wo adventurous stuff karte hain unki films ke andar, I think as an actor I would really want to work with him, and I think he knows it, he already knows it, like main akeli nahi, hum jitne 14 ke 14 log hai wo sab karna chahenge unke sath kaam. And you know the most difficult part is aap physically bhi apne aap ko body ko bahut challenge karte ho. Have you prepared yourself or how have you worked on your physicality for the show? I had no time to prepare. I was, मतलब जो हम लोग का daily workouts जो करते हैं fit रहने के लिए, मैं वो workouts कर रही थी. I wasn't even training on my swimming, although मुझे swimming आती है, but you need to be in practice to be really good at it. तो मुझे वो सब time नहीं मिला, but as I said के पहले खतरों के खिलाड़ी के पहले तक मैंने जितनी सारी चीज़ें की है, मे बी आई कैन से आई एम नॉट मास्टर ऑफ ऑल, बट आई एम नॉट मास्टर ऑफ एनी थिंग, बट आई एम जैक ऑफ ऑल. या सो दैट हैज हेल्प मी समवेयर, क्योंकि हर एक चीज की नॉलेज है कहीं ना कहीं. ओके, बिफोर आई लेट यू गो, क्विक सेगमेंट वी गोना प्ले, ठीक है? अ कंटेस्टेंट यू अंडर एस्टिमेटेड बट दे प्लेड रियली वेल. हैज टू बी डीनो. ओके, वन थिंग यू लव हेट एंड टॉलरेट अबाउट सलमान खान? I love his nature. Ab hate to nahi bol sakte, there's nothing that I hate about him. I think the late nights that he does, that is something that I really hate, not for me, for him also, because it somewhere takes a toll on your health. And tolerate, he is Salman Khan, hum kya hi tolerate karenge unko, wo jo kahenge sab theek hai, sab gawara hai. But if I have to name, I think him coming to the sets according to his time.
सॉरी सलमान सर, नथिंग पर्सनल हियर, आई स्टिल लव यू. अ फिल्म ऑफ योर्स यू वांट अ सीक्वल फॉर? अ फिल्म ऑफ माइन दैट आई वुड वांट अ सीक्वल फॉर? जय हो. जय यारीस की तो बन चुकी. हाँ एग्जैक्टली, जय हो के नहीं आए हैं. या ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम नेम्स और आपको मुझे बताना कि सबसे खतरनाक बात क्या है. ओके, शिव. शिव के बारे में खतरनाक क्या है? वो उसकी डायलॉग बाजी, कहीं भी कुछ भी बोल देता है. अर्जित हीरोइज्म बहुत है उसके अंदर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. मतलब वो हद तक है कि भैया उसको बोलना पड़ता है कम कर थोड़ा. अर्चना. हाँ, कभी कभी इतना बात करती है कि कान से खून निकलता है. ओके, रश्मि. ऑल्दो शी इज अ सिंगर, शी इज अ ब्यूटिफुल सिंगर, बहुत अच्छा गाना गाती है और उनके सुर वो हर चीज में अच्छा है, पर हर एपिसोड में सुर निकालना मुझे समझ में नहीं आता. सो आई मीन इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, लाइक आई मीन इट्स ओके, आई मीन शी दैट्स अ यूएसबी, दैट्स फाइन. पर कभी तो भी ऐसे लगता है रश्मि बात कर ले प्लीज, गाना मत गा. अंजुम. अंजुम खतरनाक ट्रीट है उसका कि वो किसी और का भी स्टंट हो तो खुद ही डर जाती है. इनफैक्ट वो मेरा क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट बट बिफोर द स्टंट इवन रिवील्ड दे सीक आउट. वो अंजुम मतलब आपको परफॉर्म नहीं करना है, जैसे मैं अंजुम हूँ ठीक है, मुझे परफॉर्म नहीं करना है, कोई और परफॉर्म कर रहा है और रोहित सर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टंट क्या है, उसके पहले यहाँ पे तो हमें बोलना पड़ा अंजुम तेरा स्टंट नहीं है. बोले नहीं, फिर भी डर लग रहा है. Awesome. Okay, अब BTS that no one knows about खतरों के खिलाड़ी. BTS. Or some secret that no one knows about Khatron Ke Khiladi. To be very honest, nothing is secret in this show. जो भी है सब open है. जैसे मुझे एक चीज पता लगी या पता मैं पहले से जानती थी, but I think it's gotten वो approval मिल गया है मुझे कि रोहित सर सबको बहुत tough लगते हैं. वो है. No, his exterior is very tough, but he's as soft as a coconut from inside. Right. Yeah. Yeah, you said this yesterday. Yeah. Rate them according to aap sabse zyada kisse darte ho to the least. Insects, height, fire, water. Sabse zyada dar. Fire, insects, height, water. Water last. Yeah. Okay. What did you discover something about yourself on the show that that even you didn't know? That you are way stronger than what you think about yourself. Your favorite contestant of Khatro from the previous season? मैंने एक भी सीजन फॉलो नहीं किया. बट आपको कुछ तो आइडिया होगा. मैंने सुना है कि आई थिंक तुषार हैज वॉज वन ऑफ द टफेस्ट खिलाड़ीज एवर, एंड उन्होंने जितने भी स्टंट्स किए थे बहुत अच्छे से किए थे. और लड़कियों में आई थिंक आई गेस तेजस्विनी ने भी बहुत अच्छे स्टंट्स किए थे. आई थिंक रुबीना वॉज ऑल्सो रियली अ टफ चैलेंजर. सो या ये तीन. Definitely. Thank you so much. Thank you. We'll see you in Cape Town super soon. Yes. So, yes. Awesome. Hi, this is Daisy Shah and keep watching Instant Bollywood. Like, share and subscribe.